हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारी वीडियो में। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम अपने पोको के फ़ोन में जो वाईफाई प्रॉब्लम होती है उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वाईफाई प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो इस वीडियो को हम सिंपली शुरू कर देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमको क्या करना होगा, जो हमारे पास ये पोको का फ़ोन या पोको के फ़ोन की मोबाइल की सेटिंग्स होती हैं उसको हमें सिंपली ओपन कर लेना है। तो फिर हम ओपन कर लेते हैं। तो वैसे देखिए, हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के यहाँ पे हमको शो होगा सेटिंग्स ऑप्शन। तो वैसे हमको क्या करना है, सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करने से हमारी जो सेटिंग्स है वो हमारी ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद इस यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करना है कनेक्शन एंड शेयरिंग ऑप्शन। तो वैसे कनेक्शन एंड शेयरिंग ऑप्शन पर क्लिक करने का ऐसा इंटरफेस शो होगा। तो वैसे नीचे जब स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के यहाँ पर आपको रीसेट वाईफाई का ऑप्शन सिंपली शो हो जाएगा। तो वैसे यहाँ से हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अगर आपको वाईफाई प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो सिंपली रिसर्च पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के यहाँ पे आपको शो होगा ड्रॉ योर पैटर्न। तो वैसे सिंपली आप अपने पैटर्न को ड्रॉ कर देंगे। पैटर्न को ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर आपको शो होगा वो टू रीसेट, वन टू रीसेट। तो वैसे हम ओके पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद गाइस हमारा नेटवर्क सेटिंग पिन रीसेट हो चुकी है। गाइस मतलब जो हमारी वाईफाई प्रॉब्लम है हमारी सॉल्व हो चुकी है। तो इस तरीके से हम वाईफाई प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं अपने पोको के फोन में। तो गाइस आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।